सही कहा तुमने सुनियो, ये बहुत ज्यादा लाल है। शायद कुछ बुरा होने वाला है जियान। देखो हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि इस सफर की शुरुआत ही खराब हुई है। मुझे ऐसा नहीं लगता सुनियो, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। क्या कहा? नोबिता तुम ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश मत करो। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता नोबिता कि हम इस बारे में कुछ कर पाएंगे? देखो जियान, इस वक्त यहाँ से भागने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हम शिजुका को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। अरे नोबिता, तुम बातें बनाने में सबसे आगे हो। मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों, टोकोयामी का किला इस गहरी धुंध के ठीक नीचे है। शिजुका वहाँ हमारा इंतजार कर रही है और हमें वहाँ जाकर उसे बचाना होगा। नोबिता सुनो। क्या बात है, क्या हुआ डोरेमोन? देखो वो नजदीक आ रहे हैं। उस तरफ देखो दोस्तों, धुंध के नीचे से निकलकर बहुत सी चमकीली चीजें हमारी तरफ आ रही हैं। क्या वो किसी राक्षस की आंखें हैं? वो तो राक्षसों का खेल कैसे करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं? बचाओ! क्या हुआ दोस्तों, तुम इतना डर क्यों रहे हो? हाँ, गोल्डन हैट। तुमने सही पहचाना, मैं इंसाफ का रखवाला हूँ, यानी कि गोल्डन हैट। और मैं गोल्डन हैट का सबसे प्यारा दोस्त डोरायन। अरे जियान, ये तो रहस्यमय हीरो गोल्डन हैट है। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है तो मैं उसके पास फौरन पहुँच जाता हूँ। सही कहा। अरे लेकिन गोल्डन हैट, जरा ध्यान से देखिए, दुश्मनों की फौज तो बहुत ज्यादा बड़ी है। और अब इंसाफ होकर रहेगा। चलो चलते हैं। हाँ चलते हैं। क्या बात जीत है? जीत कर ही वापस आना। बहुत बढ़िया गोल्डन हैट, तुमने तो कमाल कर दिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे शिजुका, ओ गोल्डन है, क्या तुम मुझे बचाने आए हो? हाँ तुम सही समझी। गोल्डन है शिजुका। अरे ये क्या, ये तो बहुत बड़ा राक्षस है। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था गोल्डन है। मुझे बचाओ। मुझे कमजोर दुश्मन से लड़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता, लेकिन शायद इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मगर मुझे नहीं लगता तुम इसे हरा पाओगे। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। क्या मतलब? अगर तुम सुबह जल्दी नहीं उठे तो तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो? ये हमारी आखिरी लड़ाई है और हम शिजुका कौन गोल्डन है। देखो वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं। अब और कोई रास्ता नहीं है। वैसे भी ये सिर्फ मेरा सपना है डोरेमोन। इसे हराने के लिए सबसे पहले हमें इस राक्षस का आकार छोटा करना होगा। क्या मतलब? अब तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ। अरे तुम ठीक कहो ना गोल्डन हैट, तुमने मुझे छोटा क्यों कर दिया? चुप रहो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस दुनिया में इंसाफ की हमेशा जीत होती है। सुनो दोस्तों, अगर कोई सवाल है तो प्लीज जल्दी से पूछ लो। क्या सवाल? इतना ताकतवर बनने के लिए आखिर क्या करना पड़ता है? नहीं नहीं, इस तरह का सवाल नहीं। तुम और कोई सवाल पूछ सकते हो, जैसे कि मैं कौन हूँ। लेकिन गोल्डन हार्ट, क्या ये तुम्हारा सीक्रेट नहीं है? हाँ वो तो है, लेकिन ऐसा सवाल तुम पूछ सकते हो। अच्छा ठीक है, तो बताओ कि तुम कौन हो गोल्डन हार्ट। देखो ये एक सीक्रेट है दोस्तों। क्या? तुमने ही तो ये सवाल पूछने को कहा था। हाँ हाँ जानता हूँ, और इसलिए अब तुम्हें अरे ये उतर क्यों नहीं रहा है? लगता है ये फंस गया है। नोबिता जल्दी करो, मॉम तुम्हें बुला रही है। नोबिता नोबिता चलो उठ जाओ। नोबिता अब तुम्हें उड़ना ही होगा। डोरेमोन! अरे नोबिता, ये क्या तुम अभी तक सो रहे हो? जल्दी उठो नोबिता, वरना तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट खा के फौरन स्कूल जाओ। ठीक है मॉम, मैं जा रहा हूँ। इसी डर से तो वो सुबह उठना नहीं चाहता है।
सपने हर बार हमें एक नई दुनिया में ले जाते हैं और वो कई तरह के हो सकते हैं, जैसे खुशी के सपने, डरावने सपने, उदासी के सपने। हर इंसान सपने देखता है। सपने कितने अच्छे होते हैं। कल रात का सपना तो वाकई मजेदार था। मैं बस देखना। तुम किसके इतने करीब थे नोबिता? मैं बस ऐसे ही कह रहा था। तुम देर से आते हो, अपना होमवर्क भूल जाते हो। जाओ जाकर बाहर खड़े हो जाओ, जल्दी जाओ। आजकल दिन तो वाकई बहुत मजेदार था। सपनों की दुनिया कितनी अच्छी होती है, उसमें कितना मजा आता है। लेकिन पता नहीं ये असली दुनिया इतनी बुरी क्यों है। हाँ, अरे शिजुका, तुम जानती नहीं हो लेकिन कल रात तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी और मैंने तुम्हें बचाया था। तुम मुझे इस तरह से देखकर हंस क्यों रहे हो नोबिता? तुम कल रात मुसीबत में थी। तुम बहुत ही अजीब हो। शिजुका रुको। ठीक है, तुम जल्दी ही समझ जाओगी कि मैं कौन हूँ। हटो यहाँ से, हटो। कितना डरपोक है, एक मकड़ी से डर गए। शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने सच कहा है। पता है अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं जरूर बता देता। डोरेमोन, मेरी बात सुनो डोरेमोन। क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? जल्दी करो, कुछ ऐसा करो कि मेरा वो सपना वापस शुरू हो जाए। नो पिता, तुम अपने सपनों में सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें ही देखना चाहते हो ना? हाँ। ये गलत बात है। अगर तुम फिर से सपनों की दुनिया में जाओगे तो इससे तुम्हारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर क्यों? बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद करने की बजाय अपना होमवर्क करो। डोरेमोन, अगर तुम असली दुनिया में मेहनत नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। सुनो नोबिता, लगता है वो बाहर चला गया। कोई बात नहीं, शाम को जब उसे भूख लगेगी तो अपने आप वापस आ जाएगा। क्या वो अब तक वापस नहीं आया? क्या कहा आपने नोबिता, आपके घर भी नहीं आया? माफ करना, मैंने आपको इतनी रात में परेशान किया। पता नहीं ये नोबिता कब सुधरेगा। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि वो ऐसा भी कर सकता है। उसने घर पर भी किसी को नहीं बताया। लगता है उसे सपनों की दुनिया में ले जाना ही पड़ेगा। क्या तुम मुझे सुन रहे हो नोबिता? अगर तुम यहाँ हो तो मुझे जवाब दो। नोबिता, तुम कहाँ हो? कहाँ चला गया? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। सारी गलती मेरी ही है। मैंने उसे कुछ ज्यादा ही डांट दिया। मैंने नहीं सोचा था कि अगर मैं उसे डांटूंगा तो वो घर छोड़कर चला जाएगा। मुझे उसकी बात मानकर उसे सपनों की दुनिया में भेज देना चाहिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत कहो डोरेमोन, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। क्या सच में तुमने मुझे माफ कर दिया नोबिता? क्या हम दोनों दोस्त नहीं है? हाँ वो तो है, पर ये बताओ तुम इतनी देर कहाँ थे नोबिता? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। मैं बिना किसी को बताए सपना देखना चाहता था, इसीलिए मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, पर मैं नीचे गिर गया और सो गया। तुम नहीं सुधरोगे। तुमने अभी जो कहा तुम्हें ठीक वैसा ही करना होगा। अभी मैंने क्या कहा? कि तुम मुझे सपना देखने दोगे। तो तुमने सुन लिया? हाँ डोरेमोन। नोबिता, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं? मैं कितनी परेशान हो गई थी। मैं समझ गया हूँ, आपने सही कहा, मैंने सच में गलती की थी। मुझे माफ कर दीजिए। आपसे वादा करता हूँ कि अब ऐसा नहीं करूँगा। आपका शुक्रिया मैम। क्या अब मैं जाऊँ? चलो चले डोरेमोन। नोबिता सुनो, तुमने वादा किया था, अब जल्दी से अपना वो ड्रीम टूल निकालो। ठीक है, अभी निकालता हूँ नोबिता। ड्रीम टूल मशीन, इनमें से कोई भी कैसेट चुन लो। अरे वाह, ये सब तो देखने में मजेदार लगती हैं। मैं इनमें से कौन सी कैसेट चुनूं? मेरे ख्याल से सुपर हीरो की कैसेट बढ़िया रहेगी। इस कैसेट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है नोबिता? मुझे तो लगता है ये कैसेट छोटे बच्चों के लिए है। इसीलिए तो मैंने ये कैसेट चुनी थी नोबिता। ये कुछ ज्यादा बढ़िया लग रही है। कौन सी? जुरासिक प्लैनेट। चलो हम पहले इसका ट्रेलर देख लेते हैं नोबिता। हाँ,
और अब आपके सामने पेश है जुरासिक प्लैनेट। हाँ, ये मजेदार लग रही है। वैज्ञानिकों को ले जा रहा स्पेसशिप एक एस्ट्रॉइड से टकरा गया है। इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। इसका कंट्रोल भी काम नहीं कर रहा। जरा रुको, इनके चेहरे क्यों नहीं बनाए गए? ताकि देखने वाला खुद फैसला कर सके कि इनके चेहरे कैसे होने चाहिए। तुम इन बटन्स की मदद से जैसा चाहो वैसा चेहरा बना सकते हो नोबिता। हाँ, लगता है वहाँ इसका इंतजार किया जा रहा है। ये विशाल डायनासोर की दुनिया है। घबराओ मत, हम तीनों एक साथ अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे और जीतेंगे। एक के बाद एक चुनौतियाँ उनकी ताकत का इम्तिहान लेंगी। एक ऐसा रोमांचक सफर जो आपको सांस रोकने पर मजबूर कर देगा। एक शानदार कारनामा। क्या ये नौजवान कल का सूरज देख पाएंगे? आप एक हीरो हैं। व्हाइट हीट क्लाइमेक्स की ये चुनौती देखिए इस शानदार फिल्म जुरासिक प्लैनेट में। ये कितना मजेदार था ना? बहुत ही मजेदार। लेकिन इस गेम में कोई लड़की क्यों नहीं है? यहाँ पर लिखा है कि इसमें सिर्फ तीन ही कैरेक्टर्स होंगे, उससे ज्यादा नहीं। मुझे कोई ऐसा सीन चाहिए जिसमें मैं शिजुका को बचाऊं। तुम्हें हमेशा ऐसी ही चीजें चाहिए होती हैं। लेकिन मुझे जो पसंद होगा मैं उसी को चुनूंगा। ओके, तो एटलांटिस कैसा रहेगा? ये बहुत ही मशहूर कहानी है। आखिरी दिन जब एटलांटिस समुद्र में डूब रहा होता है तो राजकुमारी को बचाने के लिए कहानी का ही कोई बात नहीं। क्या इस तरह सीधे कहानी में जाना ठीक रहेगा? मैं राजकुमारी को बचाऊंगा, कितना मजा आएगा। ओके, मैं एंटीना लगा देता हूँ। एंटीना? हाँ, ये एंटीना गैजेट से निकलने वाली वेव्स को पकड़ेगा। अब ठीक है। ठीक है, गुड नाइट। लेकिन इसमें कैरेक्टर्स कौन से होंगे नोबिता? मैं हीरो बनूंगा, शिजुका राजकुमारी बनेगी और बाकी सब तुम सोच लो। नोबिता, अरे ये क्या, ये तो इतनी जल्दी सो गया। नोबिता ने सपना देखना शुरू कर दिया है। ठीक है, एक साथ ले आएगी। सपने की शुरुआत कितनी शानदार हुई है। एक मिनट रुको नोबिता। हाँ? क्यों, क्या हुआ डोरेमोन? इस मशीन के जरिए मैं आसानी से सपने में तुमसे बात कर सकता हूँ। बात यह है कि जल्दी सुबह होने वाली है। क्या इतनी जल्दी सुबह? क्या तुम कैसेट को फॉरवर्ड करके मुझे कुछ मजेदार चीजें दिखा सकते हो? दिखाता हूँ। राजकुमारी जागो, आप ठीक तो है ना? अपनी आंखें खोलिए। तुमने मुझे बचाया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे मेरी जान चली जाए पर मैं आपको फिर भी बचाऊंगा राजकुमारी। मैं थक गई हूँ, मैं और नहीं तैर सकती, ये पानी भी बहुत ठंडा है। आप हिम्मत मत हारिए राजकुमारी। कैसे हो गया? बहुत हो गया नोबिता, उठ जाओ नोबिता। अगर मैं पानी से भरे सपने देखूंगा तो यही होगा ना डोरेमोन? नोबिता चलो जल्दी से उठ जाओ। अब मैं क्या करूं? इंस्टेंट क्लीनिंग ड्रायर। मैंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लो, सूख गया। अब बाकी का काम भी कर दो। ये हमेशा दूसरों से ही काम करवाता है। मैं जा रहा हूँ। एक मजेदार सपना देखना हमेशा मुश्किल होता है पर वो बढ़िया था। मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं वक्त पर पहुंचूं। अरे नहीं, सपने की वजह से तो मैं अपना होमवर्क भूल गया। मैं तो होमवर्क के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। मुझे लगता है इसके लिए मुझे कल से भी ज्यादा डांट पड़ेगी। चलो कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं लिखूँ क्या? मुझे क्या लिखना चाहिए? सोचता हूँ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये ज्ञान पेड़ का फल है, लो इसे खा लो। अब जल्दी करो। अच्छा है, लगता तो है मेरा दिमाग तेज हो गया है।
अरे ये तो मुझे आसानी से याद आ गया और ये भी याद आ गया। वाह मुझे सब कुछ याद आ गया। क्या मैं कोई सपना देख रहा था? पर ये एक बहुत ही बढ़िया सपना था। हाँ घंटी बज गई, क्लास शुरू होने वाली ही होगी। बच्चों आप सभी ने अपना होमवर्क किया? यस सर। उम्मीद है तुमने भी किया होगा नोबिता। यानी तुम फिर से भूल गए? मैं करके लाया हूँ सर। हा? अरे तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लगता। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, भी एकदम सही जवाब लिखे हैं बच्चों। इसका मतलब ज्ञान के पेड़ के फल वाली बात सच थी, वो सपना नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि वो सपना था। नोबिता नोबिता क्या आज हम एक साथ होमवर्क कर सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं शिजुका। क्यों क्या हुआ? तुम्हें तो ये सवाल आसानी से हल कर लेने चाहिए थे, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे लगता है सबको अपना होमवर्क खुद ही करना चाहिए। शायद मेरा दिमाग पहले जैसा हो गया है। अरे कहाँ चला गया वो आदमी? तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए क्या? क्या आप मुझे उस ज्ञान के पेड़ के थोड़े और फल दे सकते हैं? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम? हाँ सच में मैं उन तीन काबिल तलवारबाजों की बात कर रहा हूँ। तीन काबिल तलवारबाज? हाँ बच्चे अरे इंतजार करना, मैं वापस आऊँगा। क्या ये फिर से कोई सपना था? ये तो सच ही है। आप किन्हीं भी दो लग्जरी आइटम्स का चुनाव कर सकते हैं जो हमारे देश में बनाए जाते हों। मेरे ख्याल से ये आइटम्स बहुत महंगे हैं, इसलिए मुझे इनका ख्याल छोड़ देना चाहिए। मैं घर आ गया। स्वागत है। ये क्या है? डायरेक्ट मेल। जैसे ही मैंने ड्रीम मशीन बाहर निकाली वैसे ही एक कैसेट गाइड मशीन बाहर आ गई, जिसका नाम है तीन काबिल तलवारबाज। क्या? तीन काबिल तलवारबाज? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। पर वो तो बहुत महंगी है। आप चाहें तो इसके पैसे आप 20 किश्तों में चुका सकते हैं। तब तो ठीक है। क्या तुमने सच में उसका ऑर्डर किया था? हाँ हाँ किया था और उसकी कीमत भी चुका दी थी नोबिता। अरे एक मिनट रुको, हम ड्रीम मशीन में किसी दूसरे का सपना देखते हैं। अच्छा तो हम ऐसा भी कर सकते हाँ। हैं। चलो हम जियान का सपना देखते हैं। ओ, इसने ड्रीम वेव्स पकड़ ली है। ट्रांसमिशन शुरू हो रहा है। अब आपके सामने आ रहा है दुनिया का बेहतरीन गायक, तैयार हो जाइए। और अब मैं सुनाने वाला हूँ मेरे बैंड का सबसे पसंदीदा गाना। इसे बंद करो, क्या कर रहे हो? डोरेमोन इसे जल्दी बंद। सचमुच बहुत ही बुरा गा रहा था। कितनी डरावनी आवाज थी। चलो नोबिता अब देखते हैं सुनियो अपने सपने में क्या कर रहा है। मैं जानता हूँ वो कैसा सपना देख रहा होगा। अरे वाह क्या बात है। ये लीजिए मालिक, आपकी कोल्ड ड्रिंक लेकर मैं हाजिर हूँ मालिक। ये एकदम बेकार सपना था, मुझे अभी शिजुका का सपना देखना है। अभी देखता हूँ। अरे इसमें ड्रीम ट्रांसमिशन नहीं आ रहा, शायद वो भी जाग रही है। रुको मैं एक्सरे विजन से चेक करके देखता हूँ। अरे ये तो पढ़ रही है। वो तुमसे एकदम अलग है नोबिता, तुम हमेशा बेकार के कामों में उलझे रहते हो और शिजुका पढ़ लिख कर तुमसे आगे बढ़ती जा रही है। थोड़ी बहुत मेहनत तुम्हें भी करनी चाहिए। अब बस करो। मैंने कोई गलत बात नहीं कही, शिजुका को देख कर तुम्हें भी अब मेहनत करनी चाहिए, समझे नोबिता? हेलो हेलो क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप 22nd सेंचुरी के डिस्पैच सेंटर से बोल रहे हैं? जो प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए थे वो अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं। हाँ एक्सप्रेस शिपिंग से उन्हें जल्दी भेजिए। देरी के लिए माफ कीजिएगा। हमारा पार्सल आ गया नोबिता।
इसे जल्दी सही गई है, चलो इसे जल्दी से देखते हैं। हाँ जरूर देखो, ये वाकई शानदार है और अब आराम से सपनों की इस दुनिया का पूरा मजा लेना। तो इसे देखते हैं। रुको नोबिता, इस्तेमाल से पहले ये चेतावनी पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि इस सपने में बहुत ज्यादा पावर है और इसका असर हमारी इस असली दुनिया पर भी पड़ सकता है। ये तो अच्छी बात है। अगर मैं सपने में सुपर हीरो हुआ तो सपना खत्म होने के बाद मैं और भी ताकतवर बन जाऊंगा। इसका शायद यही मतलब है। हाँ शायद यही मतलब है। अब वेव ट्रांसमिशन। ये कसेट दूसरी कसेट से बिल्कुल अलग है। सच्चाई का पता लगाने के लिए आपको भावनाएं जगाने के साथ ही इसमें दिए गए तमाम नए फंक्शंस का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं सपने में हीरो हूँ और बाकी सबका काम तुम पर छोड़ता हूँ। गुड नाइट। लेकिन इसमें और भी चीजें लिखी हैं। ये तो सो गया, कुछ गड़बड़ हो गई तो ये मत कहना कि मैंने। फिर से रोशनी आ गई है। धीरे धीरे मेरा रोमांचक सफर शुरू होगा। अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल मेरे स्कूल जैसा है जहाँ मैं रोज जाता हूँ। ये किस तरह का सपना है? नोट्स में लिखा है कि शुरुआत में मेन हीरो एक जानी पहचानी जगह पर खड़ा होगा ताकि उसे ये सपना असली और मजेदार लगे। ऐसा सपना कभी भी मजेदार नहीं हो सकता। नोबिता, तुम सजा के वक्त भी चला रहे हो क्यों? माफ कीजिए सर। अरे मॉम आप यहाँ? नोबिता तुम मुझे कितना परेशान करते हो। इस सपने में कुछ ज्यादा ही सच्चाई है जो मुझे पसंद नहीं। डोरेमोन इस सपने को रोको। डोरेमोन जल्दी करो, रोको इसे। ये लोग तो जम गए हैं। हाँ क्योंकि तुम टाइम फ्रेम से बाहर आ गए हो। तुम कौन हो? मैं यूमी रूमी देश से तुम्हें लेने आई हूँ। जल्दी से इस रोशनी। यकीनन ये एक सपना है। नोबिता न्यान इधर देखो, इस तरफ देखो। अरे शिजुका ये तुम थी? क्या कहा शिजुका, मेरा नाम तो सिल्क परी है। खैर तुम मेरे पीछे आ जाओ नोबिता न्यान, जल्दी करो। क्या कहा तुमने? तुम्हारा नाम नोबिता न्यान है, तुम्हें बहुत सारे लोगों में से चुना गया है। दरअसल तुम शिरोगाने तलवारबाज हो, तुम्हें यूमी रूमी देश का रखवाला बनाया गया है, तुम हमारी रक्षा करोगे। तुम्हें नहीं लगता मैं इस काम के लिए कुछ ज्यादा ही छोटा हूँ? नहीं तुम गलत समझ रहे हो, जो काम तुम असली दुनिया में नहीं कर सकते उसे इस दुनिया में रहकर करना मुमकिन हो सकता है। तुम यकीनन एक हीरो बन जाओगे, चलो अब आओ। अगर तुम ऐसे बोलोगी तो मैं तुम्हें ना नहीं कह पाऊंगा। इसके कुछ खास पॉइंट्स भी थी। इस तरह बार बार आकर मुझे परेशान मत करो। ठीक है जैसा तुम कहो। नोबिता न्यान जल्दी ही हम सरहद को पार कर जाएंगे। मैं नीचे गिर रहा हूँ। अब तुम रिंग ग्रेविटी की दुनिया में हो। ये समझने के लिए मुझे क्या करना होगा? जान ने तुम्हें बचा लिया। जानती हो तुम एक जिम्मेदार परी बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हें इससे भी ज्यादा कड़े इम्तिहानों से गुजरना होगा। तुम जानते नहीं उसके बाद तुम एक महान हीरो बन जाओगे। अरे ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये शहर जल रहा है और ऐसा ओडोरोम के राक्षसों की सेना की वजह से है। आधे यूमी रूमी पर ओडोरोम की सेना पहले ही कब्जा कर चुकी है। अब मैं चलती हूँ, तुम्हें पता है ना अब तुम्हें क्या करना है। तुम्हारा मतलब क्या है? अब मुझे आगे क्या करना होगा? ये बहुत लंबी कहानी है पर पहले तुम्हें यहाँ। लगता है राक्षसों की सेना ने हमें देख लिया है। तभी तो मैंने पूछा मुझे। जरा रुको मैं उड़ नहीं सकता हूँ। इंसान आखिर कुछ सीख के नहीं सकते। अरे वो तो भाग गया। अरे याद आया मैं तो तैर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये सपना जल्दी से खत्म हो जाए। अरे वो परी कहाँ गई? दिखाई क्यों नहीं दे रही?
आखिर मैं कैसा तलवारबाज हूँ। परी तुम कहाँ हो? मुझे भूख भी लग रही है, आखिर ये कैसी सपनों की दुनिया है। वहाँ कोई है? कौन है वहाँ? सुनियो, तुम सुनियो हो ना? सुनियो? मैं सुनियो नहीं हूँ, मैं इस देश का तलवारबाज हूँ। मेरा नाम सुने मिसी विस्काउंट है, तुम कौन हो? मैं नोबिता। हाँ? नहीं नहीं, मैं शिरोगाने तलवारबाज नोबिता नियान हूँ। कितनी अजीब बात है कि तुम एक तलवारबाज हो लेकिन तुम्हारे पास कोई तलवार नहीं है और ना कोई रक्षा कवच। मैं यहाँ पर इतनी दूर किसी को पकड़ने के लिए आया हूँ, क्या तुम जानते हो कि मैं उसे कहाँ पर जाकर पकड़ सकता हूँ? नहीं मैं नहीं जानता। ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, नदी के ऊपरी हिस्से की तरफ योरोबटाई नाम का एक टावर है, वो इतना बड़ा है कि उस पर बर्फ तक नहीं रुक पाती है, वो आसमान जितना ऊंचा है। क्या तुम जानते हो? क्या तुम्हें भूख लग रही है? तो ठीक है अपना मुंह खोलो। तुम जो भी हो बहुत बुरे हो। ये मैं तुम्हें दे सकता हूँ अगर तुम मेरे नौकर बन जाओ। मैं बनूं? ये वाकई एक बहुत ही बुरा सपना है। ये तो बिना सपने के सपना है। हे डोरेमोन, क्या तुम्हारा मॉनिटर ऑन है? मुझे सुन रहे हो? मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम शिजुका को राजकुमारी और परी दोनों बनाओ, ठीक है ना? वो क्यों? अगर शिजुका होगी तो मैं और भी मेहनत करूँगा और मुझे प्रेरणा मिलेगी। डोरेमोन ऐसा कर दो ना। नो पिता, ये नहीं मानेगा। ये सपने के साथ साथ असली दुनिया में भी सोता ही रहता है। उठो और मेरी तरह बनो, कोशिश करके देखता हूँ वो राजकुमारी बनती है या नहीं। बिल्कुल नहीं, आप मुझे इनाम के रूप में उसे देना चाहते हैं जो राक्षसों की सेना को हराएगा। अच्छा इंसान है। अगर वो कोई अजनबी हुआ तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। आपने फिर भी जबरदस्ती की तो मैं महल छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसा लगता है वो बहुत ज्यादा निराश है, उन्होंने अगर कोशिश नहीं की तो काफी मुश्किल हो जाएगी। मुझे ये राज नोबिता से छुपा कर रखना होगा। एक बार जब हमें शिरोगाने तलवार मिल जाएगी तब हमें दुनिया में कोई नहीं हरा पाएगा, इस बात का ध्यान रखना। और तो और जब वो तलवार तुम्हारे पास होगी तो तुम बहुत ही ताकतवर महसूस करोगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें ओडोरोम की फौज का डटकर मुकाबला करना है और उन्हें हराना है और यूमी रूमे को बचाना भी है। वहाँ के राजा ने वादा किया है कि जो ओडोरोम की फौज को हराएगा उससे वो अपनी बेटी की शादी कर देंगे। अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो मैं जल्द ही वहाँ का राजा बन जाऊँगा। लेकिन फिर मेरा क्या होगा? चिंता मत करो मैं तुम्हें अरे क्या कर रहे हो, जल्दी चलो राजकुमारी। अरे वहाँ पर कुछ है, जल्दी देखो वहाँ पर। अरे तुम खड़े क्यों हो, जाओ। मैं नहीं जा रहा, आप जाइए। मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। यहाँ तो एक भालू का बच्चा फंसा हुआ है, कितनी बुरी बात है। हे, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरा शिकार क्यों भगा दिया, बताओ? जियान? मैं जियान नहीं हूँ, मैं इस देश का मशहूर तलवारबाज जियान टोसू हूँ, समझे? अरे नहीं, एक और नकली तलवारबाज आ गया। सुनो, वो मेरा नौकर है, उसको छोड़ दो नहीं तो अच्छा नहीं होगा, समझे? तुम लोमड़ी जैसी शक्ल वाले लड़के, तुम आखिर मेरा बिगाड़ी क्या लोगे? क्या कहा तुमने, लोमड़ी जैसा? तुम्हें ये कहना बहुत भारी पड़ेगा, तैयार हो जाओ। तो फिर मुकाबला हो ही जाए। मैं हार मानता हूँ। क्या तुमने मुझसे ज्यादा ताकतवर शख्स देखा है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है कि आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, मुझे अपने साथ मिला लीजिए, मेरे नौकर भी आपकी मदद करेगा। मैं बहुत थक गया हूँ। मेरे ख्याल से योराबटाई के पेड़ यहाँ आसपास ही होंगे। अरे क्या कर रहे हो, जरा सामान को ध्यान से उठाकर चलो। डोरेमोन जल्दी से कुछ करो।
अरे ये सपना तो असलियत के बहुत ही करीब है, लेकिन सपना होने के बावजूद मुझे हर काम बिल्कुल सही करना होगा। ये असली जैसा है, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है। नोबिता, हिम्मत से काम लो और उम्मीद मत छोड़ना। क्या ये? हाँ, मैं जानता हूँ कि तलवार और कवच वहाँ ऊपर हैं। इस पर चढ़ना काफी आसान होगा। मैं चढ़ूंगा। अरे रुक जाओ, तुम मुझसे ज्यादा तेज नहीं चढ़ सकते हो, समझे? देखो, जीत उसी की होगी जो पहले चढ़ेगा। क्या कहा? ऐसा है तो मैं भी कोशिश करता हूँ। बचाओ मुझे। अरे लगता है मैं पेड़ पर इस तरह नहीं चढ़ सकूंगा, लेकिन ऐसा ही रहा तो मैं राजकुमारी से नहीं मिल पाऊंगा। क्या मुझे ये ख्याल छोड़ देना चाहिए? अरे वो तो मुझसे बहुत ज्यादा आगे निकल गया। अरे वाह क्या बात है, मैं बहुत आगे हूँ, लेकिन अभी बहुत चढ़ाई बाकी बची है। क्या मुझे यहाँ पर रुककर सुस्ता लेना चाहिए? मुझे खुशी है कि मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। हाँ, अरे ये रस्सी कैसी? मेरी बात सुनो, जल्दी से थैले में पानी डालो और उसे इस रस्सी के साथ बांध दो। इसके बाद मैं खाना देने के लिए भी कहूँगा, समझे? लेकिन मुझे तो खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है। अरे ये क्या, पानी में कोई चीज चमक रही है। हाँ? ये तो वही चांद है। लगता है इसकी हवा निकल गई है और ये पिचककर नीचे गिर गया है। पक्का ऐसा ही होगा, तो इसमें हवा भर कर देखता हूँ। अरे ये कहाँ चला गया, अभी तक वापस क्यों नहीं आया लौट के? सुनो, अरे तुम कहाँ चले गए, जल्दी से वापस आओ। लगता है उसने भागने की योजना बना ली है। देखो मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। अरे ये अजीब सी चीज क्या है? मालिक, मैं आपसे ऊपर ही मिलूंगा। मैं पेड़ की चोटी तक तो पहुंच गया। बस वो तलवार यहीं पर कहीं हो। तुम्हारा स्वागत है जाबाज योद्धा, मैं तुम्हें शिरोगाने की तलवार और कवच दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बस ये सपना ना हो। पर ये तो सपना ही है, लेकिन मैं नीचे कैसे उतरूंगा? घबराओ मत, वापस लौटने का रास्ता इस संदूक में है। उम्मीद है ये सुरक्षित होगा। अब आ रहे हैं शिरोगाने तलवारबाज नोबिता निया। रुक जाओ, अपनी ये तलवार और कवच मुझे दे दो। वैसे भी ये तलवार और कवच तुम्हारे किसी काम की नहीं है। ऐसा मत कहो, मैं ऊपर गया था और ये तलवार और कवच मुझे वहीं से मिले हैं। चुप रहो और ये मुझे दे दो, समझे? बिल्कुल भी नहीं। तुम अपना चेहरा मेरी तरफ क्यों नहीं कर रहे? ये दुनिया के एक बेहतरीन तलवारबाज का एक शैतान से मुकाबला है। बस, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे माफ करो। तो अब तुम मेरा कहना मानोगे ना? हाँ हाँ, अब आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आप जो भी कहेंगे हमें मंजूर होगा। मैं तुम्हें नौकर नहीं बनाऊंगा, हम तीनों कितने अच्छे दोस्त हैं। अब हम तीनों मिलकर उस शैतान की फौज का मुकाबला करेंगे, बहुत मजा आएगा दोस्तों। हाँ, तुम कितने अच्छे हो। चलो दोस्तों, हम मिलकर अपने आगे का सफर तय करते हैं। तैयार हो? क्या सुबह हो गई? क्या डोरेमोन ने इसमें टाइम आउट सेट किया था? सुनो, मैं तलवारबाज बन गया था और बस राजकुमारी से मिलने ही वाला था। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं
मैं अब जल्दी से आगे का सपना देखना चाहता हूँ। नोबिता! अरे शिजुका, तुम यहाँ पर कैसे हो? शिजुका, मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। अरे आखिर इसे क्या हो गया? तो तीनों तलवारबाज इकट्ठे हो गए। ये तुम कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो नोबिता? अरे नोबिता, क्या तुम्हें लगता है कि ये मजाक करने का सही समय है? चलो चलते हैं। जरा देखो तो, सपने में तो कितने अच्छे दोस्तों की तरह मिल रहे थे। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे सब दोस्त एक ही सपना देखे? हाँ, या यूँ कह लो कि मैं उन्हें अपने ही सपने में देखना चाहता हूँ। शायद उन पर ये एंटीना लगाकर देखना होगा। प्यारे दोस्त, शिजुका, मैंने एंटीना लगा दिए, अब बाकी का काम तुम करोगे। मैं तो जा रहा हूँ सोने। ओके, गुड नाइट। तैयार हो जाओ, अब हम अपने दुश्मन का काम तमाम कर देंगे। अरे जियान, सुनियो, तुम लोग कहाँ चले गए? नोबिता नियान! अरे डोरेमोन! हाँ, मैं। सब लोग अब तक अपने ही सपने देख रहे हैं। लेकिन बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आ गए डोरेमोन? सिर्फ देखते रहने में मुझे इतना मजा नहीं आ रहा। वो तो ठीक है, लेकिन फिर मशीन को कौन चलाएगा? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं अपने साथ रिमोट लेकर आया हूँ। मैंने इसकी पावर बढ़ा दी है ताकि ये ठीक से काम कर सके। मैं इस वक्त अपने सपने के बीच में हूँ। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैं अभी अपने कॉन्सर्ट टूर में बिजी हूँ। देखो, मुझे चाइना, अमेरिका और इंग्लैंड जाना है, समझे? और मुझे अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष के सफर पर जाना है नोबिता। ये बात नहीं है, हम सब राजकुमारी के तलवारबाज हैं। हम सबको ड्रैगन को हराना होगा, जीत कर आना होगा और उसके बाद राक्षसों की सेना से लड़ना होगा। देखो, मैं ये सब कुछ भी नहीं जानता, समझे? देखो, तुम अपनी मर्जी का सपना हमें नहीं दिखा सकते। डोरेमोन, शायद पावर कम हो गई है। मैं तैयार हूँ। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। बहुत अच्छे, तुम दोनों को याद तो होगा ही कि कल हमारे बीच लड़ाई हुई थी और मैंने तुम्हें हराया था। क्या कहा? लड़ाई में तुमने मुझे हराया था? और मुझे भी ऐसा कुछ भी याद नहीं है। ये समझ क्यों नहीं पा रहे? इन्हें इसकी आदत पड़ने में वक्त लगेगा। अच्छा, ये बताओ कि वो राक्षस कहाँ है जिसे हमें लेकर आना है नोबितानियान? वो कहाँ पर है? मुझे कैसे पता होगा नोबितानियान, मैं तो सपने में। अरे लेकिन क्या बात है? तुमने कहा तुम ड्रैगन से लड़ोगे, पर तुम भालू से डर रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये बात बहुत ही अजीब है? पर वो भालू बहुत बड़ा है। नोबिता नियान कहाँ है? अरे कोई मुझे बचाओ। पापा, पापा रुक जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो कल मेरी जान बचाई थी। ये तो वही भालू का बच्चा है। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, मैं तुम्हें डराने के लिए माफी चाहता हूँ। नोबिता नियान, मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुमसे किस मुंह से माफी मांगूं। इसमें माफी मांगने जैसी कोई भी बात नहीं है। नोबिता नियान सच में एक ताकतवर योद्धा है। सही कहा तुमने, वो एक ताकतवर योद्धा है। हम सब ड्रैगन को पकड़ने जा रहे हैं, क्या तुम हमें बता सकते हो वो हमें कहाँ मिलेगा? प्यारे भालू, ड्रैगन को मैं जानता हूँ इसमें खतरा है, लेकिन मुझे शिजुका को, मेरा मतलब है राजकुमारी को बचाना ही है। अगर ऐसी बात है तो इस काम में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें सिर्फ उसकी गुफा तक ले जाऊँगा। चलो वहाँ तक ही सही। तो हम चलने को तैयार हैं? हाँ, तुमने सही कहा, हम सब चलने के लिए तैयार हैं। अरे ये तो वही पक्षी है। अजीब पक्षी है, शायद इस पक्षी को मैंने पहले कहीं देखा है। बेटा, बेहतर होगा तुम घर वापस जाओ और देखो, तुम अपना ख्याल रखना। मैं अपना ख्याल रखूंगा पापा, आप भी अपना ध्यान रखना, बाय। तुम्हारे पापा बहुत जल्दी लौट कर आएंगे, इंतजार करना, ठीक है?
संख्या में लोग अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं, मुझे इसका बहुत दुख है। महाराज, ग्रिम सिटी से फौज के सेनापति आपसे मिलने आए हैं। क्या बात है? मैं माफी चाहता हूँ महाराज, हमने आखिर तक दुश्मन की फौज का डटकर मुकाबला किया लेकिन हार गए। मतलब दुश्मन फिर से जीत गया? और हमारे 80 में से 44 शहर दुश्मन के कब्जे में आ चुके हैं महाराज। 80 में से 44 निकाल दे तो हमारे पास बाकी बचे हैं। तुमसे इतना आसान हिसाब भी नहीं लगाया जाता। बेहतर होगा चुप रहो। आखिर वो तलवारबाज कहाँ है? महाराज, महाराज राजकुमारी के कमरे से। आखिर बात क्या है? मुझे ये चिट्ठी मिली है। पापा, मैं महल छोड़कर जा रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। रहे थे उस वक्त जनाब, मैं यहाँ पूरी सावधानी से खड़ा था। मुझे तो ऐसा लगता है महाराज, राजकुमारी यहीं से भागी हैं। आखिर उसने मेरी बात नहीं मानी। जाकर पता करो कि राजकुमारी कहाँ पर है। जी महाराज। क्या तुमने राजकुमारी को इधर आते हुए देखा था? नहीं। अगर वो तुम्हें दिखाई दे तो तुरंत हमें खबर देना। जी। ये गलत है, पर राजकुमारी अब वापस नहीं लौट सकती क्योंकि आज से मैं एक तलवारबाज हूँ। कोई मेरी मदद करो, मैं घुड़सवारी करना नहीं जानती। आज खाने में इतनी सारी मछलियाँ कैसे हैं? क्योंकि भालू मछली पकड़ने में माहिर होते हैं। अरे तुम्हें जितना मन हो उतना खाओ। सुनो डोरेमोन, तुम हमारे साथ यहाँ मछली क्यों नहीं खा रहे हो? मुझे यहीं बैठकर खाने में मजा आ रहा है नोबितानियान। तुम क्या खा रहे हो? ये है डोरा केक। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास डोरा केक कहाँ से आया? केक बैग। इस बैग में से जो भी चीज तुम चाहोगे वो तुम्हें आसानी से मिल जाएगी, सच में। अरे वाह, क्या बात है। डोरेमोन, क्या तुम्हें कोई जादू करना आता है? ये लो, ये भी लो, ये लो और ये भी लो। कमाल है। मजा आ गया। एक टूटा हुआ तारा उसे ले गया। रुको रुको, झाड़ू उसके पीछे चलो। अरे मुझे भी तो लेकर जाओ। अच्छा, में तारा टूटेगा। वो तलवारबाज ड्रैगन की गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। इस भविष्यवाणी में क्या शिरोगाने तलवारबाज की बात कही गई है? बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ। अगर यहाँ एक साथ हजारों तलवारबाज भी आ जाएं, तो भी हमारी फौज के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे सरदार। बेवकूफी की बातें मत करो। ये फैसला अंतरिक्ष के बनने के वक्त ही हो गया था। तब एक तलवारबाज के बारे में भविष्यवाणी हुई थी जिसे मारा नहीं जा सकेगा। उस तलवारबाज को तुम कितना भी जलाओ, कुचलो या चोट पहुंचाओ, लेकिन आखिरकार वो लौट कर फिर मुझ तक आएगा। उसका ख्याल आते ही मैं कांपने लगता हूँ। आया हूँ। तुम्हें आने में देर हुई है। भविष्यवाणी के मुताबिक जिंदा लोगों की दुनिया से 3 तलवारबाज यहाँ पहुँच चुके हैं। क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी कि तुम उन तलवारबाजों के आने से पहले ही उन्हें रोक लेते? आखिर तुम्हें वहाँ भेजा किस लिए गया था बेवकूफ कहीं के? मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। क्योंकि तलवारबाजों के आने की भविष्यवाणी हो चुकी थी, इसलिए उन्हें रोकना तो बिल्कुल नामुमकिन था। तो मैं जिंदा लोगों की दुनिया में गया। मैंने अपनी शक्ल इंसानों जैसी बनाई, एक नौजवान की तलाश की और उसे यहाँ लेकर आ गया। अगर वो अच्छा तलवारबाज भी हुआ तो उसे आसानी से हराया जा सकेगा, मेरा यकीन कीजिए। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल।
एकदम सच जनाब, आप शैतानों की फौज के मुखिया हैं और अंतरिक्ष में हर सपने पर पूरी नजर रखते हैं। ड्रैगन की गुफा कितनी दूर है? मैं थक चुका हूँ, हम 3 दिन। बैम्बू कॉप्टर, मैं जा रहा हूँ। हे डोरेमोन, ये बहुत गलत बात है। अरे तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लो तुम भी लो। हाँ, इसकी मदद से हम लोग बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं। अगर हमें ड्रैगन की गुफा मिल गई, तो हम इस शानदार मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम बहुत आसानी से उस तक पहुँच सकते हैं। क्या कहा तुमने? लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो सुबह हो गई नोबिता। सपने में सच में मजा आया ना? नोबिता खुश नहीं है। ये हो क्या रहा है? तुम क्लास में इस तरह नहीं सो सकते। हम बहुत थक चुके हैं सर। दरअसल हम बहुत देर तक पैदल चले हैं सर। क्या तुम रात में सफर कर रहे थे? नहीं, हम सपने में गए थे। क्या सपने में? तुम सपने में थक गए थे? जाओ जाकर बाहर खड़े हो जाओ। शिशुका कहाँ है? क्या राजकुमारी होने की वजह से वो पीछे बैठी हुई है? नोबिता सर, सुनो शिशुका, वो राजा सर जैसे थे ना? हाँ पता है, मुझे घोड़े पर चढ़ना पड़ा जबकि मुझे घुड़सवारी नहीं आती, और मुझे 3 दिन तक चलना पड़ा। क्या घोड़ा? और तुम्हें उस पर चढ़ना भी पड़ा? वहाँ बात करने के लिए भी कोई नहीं था। वो बहुत ही अजीब सपना था। मैं जा रही हूँ। ये गलत है, सपने के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें गलती डोरेमोन की है। डोरेमोन ही गलत बात है। बात क्या है नोबिता? तुमने डोरा केक निकाला, बैम्बू कॉप्टर निकाला और अपना बैग भी साथ लिया। ये एक असली सपना है, तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई। मुझे सुबह से ही बुरा लग रहा था, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस पॉकेट को फेंक दूंगा। हाँ, और फिर मैं हाइड बटन को दबा दूंगा। क्या हाइड बटन? मैंने सोचा था मैं इस बटन का इस्तेमाल नहीं करूँगा। जैसे इस वक्त जो हम कर रहे हैं वो आसानी से सपना बन सकता है। रुको, तुम ये दुनिया नहीं बदल सकते। फिर मॉम और डैड का क्या होगा डोरेमोन? हम करना चाहते हैं वो करने के बाद अगर हम रिमोट का ये बटन दबाएंगे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अच्छा तो ऐसा है, पहले मैं उनके सरदार को हराऊंगा और फिर शिजुका को साथी बनाने के बाद हम इसे वापस बदल सकते हैं। ऐसा हो सकता है ना? उसके बाद हम बुलेट ट्रेन राइड भी ले सकते हैं ना डोरेमोन? हाँ, ऐसा आसानी से किया जा सकता है। अरे कर तो संदेह है ना? कोशिश करेंगे कि हम इसे पूरा देख सके। मैंने खा लिया मॉम, कल छुट्टी है इसलिए पूरा दिन मैं अपने कमरे में पढ़ाई करूँगा। मुझे परेशान मत कीजिएगा, ठीक है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है। हाँ? ठीक है, तो मैं असली दुनिया और सपनों की दुनिया को बदलने जा रहा हूँ। ड्रैगन की गुफा का रास्ता तुम्हारे सामने है। इसे तो देखने से ही लगता है यहाँ कोई ड्रैगन रहता होगा। अच्छा भालू, अब तुम जंगल में लौट जाओ जहाँ नन्हा भालू तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तुम लोगों को सावधानी से आगे बढ़ना होगा। ड्रैगन की आग किसी को भी पत्थर बना सकती है, और ध्यान रखना, जो भी आगे गया वहाँ से लौट कर कभी नहीं आया। तो यहाँ हमारे जैसे काबिल तलवारबाजों की ताकत काम आएगी। वो हम जैसे काबिल तलवारबाजों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और मैं यानी जादूगर डोरेमोन भी इनके साथ रहेगा। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो। अब मुझे जाने की इजाज़त दो। बहुत शुक्रिया भालू, नन्हे भालू को मेरा प्यार देना। अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। ये आवाज़ कैसी है? मेरे ख्याल से ये मैग्मा के बहने की आवाज़ है। इससे पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टाने बनने में मदद मिलती है। तुम कितना कुछ जानते हो। इसमें थोड़े जादू का भी इस्तेमाल होता है। ड्रैगन की सबसे कमजोर चीज उसकी मूछें हैं, जिन्हें काटने से वो नीचे गिर जाएगा। तब तो उसे मारना काफी आसान होगा। लगता है ये गर्म
पानी का झरना है। क्या कहा तुमने डोरेमोन? सुना नहीं, मैंने कहा ये गर्म पानी का झरना है। लगता है ये हमारे खिलाफ कोई चाल थी। हाँ? नोबिता नियान, ऐसा लगता है वो उड़कर कहीं चला गया है। नोबिता नियान, अगर कहीं ड्रैगन ने सुन लिया तो हम सब लोग अलग अलग जाकर चुपचाप उसे ढूंढते हैं। समझा, मैं वहाँ जाकर देखता हूँ, ठीक है? नोबिता नियान, ए नोबिता नियान, कहाँ हो तुम? अचानक सामने आकर मुझे डरा मत देना। अरे कहीं राक्षस ने ही इन्हें ऐसा तो नहीं किया? अरे नहीं, सुनो। अरे ये क्या है? सुने मिसी विस्काउंट, तुम डर क्यों रहे हो? सामने देखो। क्यों, क्या हुआ? अच्छा तो ये है वो ड्रैगन, रुको मैं इसे अभी मजा चखाता हूँ। नोबिता नियान, कहाँ थे तुम? तुम ठीक तो हो ना? बाकी सब कहाँ है? हाँ? अभी अभी ये आवाज कैसी थी? वो शायद यहाँ से आई थी। हाँ? इधर चलो। हाँ? हाँ? ये तो ड्रैगन है। जल्दी भागो डोरेमोन। ठीक है। को सब ठीक होगा? क्या ऐसा है? तुम ठीक तो हो ना? हम बच गए हैं। इस तरफ चलते हैं। तुम ठीक तो हो ना? आखिरकार हम उस ड्रैगन से बच ही गए। मुझे घोड़े पर चढ़ना पड़ा, मुझे पैदल चलना पड़ा। मैं समझ नहीं पा रही कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। मुझसे और नहीं चला जाता। प्लीज कोई तो मेरी मदद करो, मुझे भूख लगी है, मेरे गले में दर्द हो रहा है, मुझसे और नहीं सहा जाता। पापा मुझे माफ कर दीजिएगा। क्या यहाँ कोई तारा गिरा है? वो क्या है? अरे ये तो सुंदर सा बैग है, काश इसमें कुछ खाने के लिए भी हो। देखती हूँ। अरे वाह, ये तो ब्रेड है। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये सब भेजा। अरे ये तो एक झाड़ू है। अरे रुको, मुझे उतरने दो। ये क्या? नोबिता नियान, ये अच्छी बात है कि तुम ठीक छोड़ी थी। वो दोनों कहाँ पर हैं? मुझे नहीं पता, हो सकता है वो ड्रैगन से बचने के लिए छिप गए हो। ये तो बुरा हुआ। ड्रैगन के नजदीक जाना बहुत ही मुश्किल है। तुम तो एक जादूगर हो, क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? मेरा जादुई झाड़ू होता तो मैं कुछ कर सकता था। हाँ? हाँ, कोई चीज आ रही है। हाँ, ये तो झाड़ू है। हाँ, लेकिन उसके ऊपर कोई है। मेरे जादुई झाड़ू, मैं यहाँ हूँ। मेरे प्यारे जादुई झाड़ू, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? ये तो वाकई कमाल हो गया। सुनो, तुम ठीक तो हो ना? तुम हो कौन? मेरा नाम शिजुकारु है, मैं एक तलवारबाज हूँ। अच्छा, तुम भी ड्रैगन को पकड़ने आई हो? हाँ। मैं नोबिता नियान हूँ, शिरोगाने तलवारबाज। शिरोगाने तलवारबाज, आखिर तुम मिले गए। अच्छा हुआ मैं रुक गई। हाँ? जितने ज्यादा लोग होंगे, ड्रैगन को पकड़ना उतना ही आसान होगा। जादुई झाड़ू की मदद से हम फिर से कोशिश करते हैं। सच में? रुको रुको, मैंने इस तरह से करने को नहीं कहा था। रुको, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? हम तो पत्थर की मूर्तियाँ लग रहे हैं।
ऐसे ही उसके पास जाएंगे। हाँ, पर क्या ये ठीक रहेगा? वहाँ और भी पत्थर की मूर्तियाँ होंगी और हम भी वहाँ इस तरह पत्थर की मूर्तियाँ बनकर जाएंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वो यही सोचेगा कि वो हमें मार चुका है। लेकिन ये झाड़ू मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। मुझे लगता है वो हमसे थोड़ा ज्यादा आगे निकल गया है। तुम्हें सबसे बड़ी खासियत क्या है? मुझे खुद पर विश्वास है और शायद तुम्हें पता नहीं, मैंने बिना पापा को बताए हर चीज एक बेहतरीन टीचर से सीखी है। तरफ से उसके नजदीक तक जाएंगे, वो समझ ही नहीं पाएगा कि उसे किस तरफ जाना है। समझ गई। शीरोगाने तलवारबाज जो हूँ, तो क्या शुरू करें? और इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। क्या ये मुझे ही करना होगा? हाँ, तुम्हें ये काम जल्दी करना होगा। अगर तुमने देर की और इसकी मूछें फिर से निकल आई तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। जल्दी करो। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुमने ड्रैगन से लड़ाई क्यों की? बताओ, आखिर तुम्हें यूमी रूमी देश को बचाना है। नहीं डोरेमोन, मैं इतना दयालु नहीं हूँ। इसने कई लोगों को पत्थर का बना दिया है। अच्छा होता मैं यहाँ आता ही नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, जो भी चीज जिंदा है उसे मारने का हक किसी को नहीं है। तुम तो सचमुच बहुत दयालु हो। ड्रैगन जा गया है। भागो। मुझसे घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम पर अपनी आग नहीं उगलूंगा। बहुत से लोग यहाँ मुझे मारने आते हैं और खुद को बचाने के लिए नबास मैंने पहली बार देखा। आप हमें माफ कर दीजिए, हम अभी इस जगह से चले जाते हैं, उसके बाद आप आराम से रहिएगा। जरा रुको दोस्तों। तुम मेरा खून लेना चाहते थे ना, तो आओ मेरे पीछे। ये गर्म झरना मेरे पसीने से बना है। तुम अमर तो नहीं हो, पर अगर तुम इसमें नहा लोगे तो मरने के बाद एक बार जिंदा जरूर हो सकोगे। तुम्हारा मतलब है ये तुम्हारा पसीना है? कपड़े उतार कर इसमें नहाने से तुम सुरक्षित रह सकोगे। क्या ऐसा है? तो जल्दी चलते हैं। मैं भी नहाऊंगा।君入らないの？僕はいい。
इसे ऊपर डालने से वो ठीक हो जाएंगे। हाँ? ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने दिनों बाद नहाना वाकई कितना अच्छा लग रहा है। नोबितानियान, उस ड्रैगन का क्या हुआ? वो ड्रैगन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त बन चुका है। क्या सच में? हाँ, और हमारी टीम में एक नया सदस्य भी आ गया है। पर ये तो बताओ वो है कौन? वो है ना होगा। इस घाटी के दक्षिण में एक नदी को पार करके तुम एंडरू नाम के कस्बे तक पहुँचोगे। नदी का बहाव तेज और खतरनाक है, लेकिन ये एक छोटा रास्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया ड्रैगन। तुम सब बहादुर हो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। और अब हम शैतान की फौज से मुकाबला करेंगे दोस्तों। हाँ, और देखना जीत हमारी ही होगी। अब हमें इस नदी को पार करना है दोस्तों। सही कहा तुमने, पर ये होगा कैसे? हम नाव से जाएंगे। नाव तैयार हो गई। ये तो कमाल का तलवारबाज निकला। कसकर पकड़ो, देखो सब ढंग से बैठो वरना। नोबिता, नोबिता चलो अब जल्दी से उठ जाओ। नोबिता जल्दी से उठकर नाश्ता कर लो, फिर मुझे सफाई भी करनी है। ये कौन सी जगह है? लगता है ये जगह मैंने कहीं देखी है। अरे ये क्या, ये तो वही सपना है जो मैं हर रोज देखता हूँ। ऐसे सपने देखने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, शायद जल्दी ही जागना होगा। मुझे तो इतनी अच्छी नींद पहली बार आई थी। तुम ठीक से सोना नोबिता नियान, हम जल्दी उस जगह पर पहुंचने वाले हैं। मैंने अभी अभी एक सपना देखा दोस्तों, जिसमें मॉम मुझे डांट रही थी। इस तरह के सपने अक्सर मुझे भी आते हैं नोबिता नियान। हाँ मुझे भी, वो मॉम हमें डांटती तो बहुत है लेकिन खाना भी उतना ही स्वादिष्ट बनाती है। क्या कहा तुमने? खाना? खाने की बात सुनकर मुझे भूख लग गई है। मेरे पास कुछ स्नैक्स हैं, तुम खा सकते हो। ये नहीं, ये तो मेरा। शिजुकारू, सोने में सो। खाना शुरू करें। क्या बात है, लगता है मैंने ये पहले भी खाया हुआ है। खाना अपनी मर्जी से खाओ। अरे बारिश शुरू हो गई। ये एंडेरू शहर है, इस पर कब्जा कर लिया गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ, हमें पहुंचने में देर हो गई। दोस्तों शायद हमें यहाँ थोड़ा पहले आना चाहिए था। मेरे ख्याल से हमें उस दरवाजे के रास्ते फौरन किले के अंदर जाना चाहिए। यहाँ पर कोई बचा ही ना हो। हाँ? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? देखो हम शैतान नहीं है, मैं शिरोगाने तलवारबाज हूँ, समझ गए तुम? क्या कहा शिरोगाने तलवारबाज? मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम कोई ताकतवर तलवारबाज होगे। आपको पता नहीं है, नोबिता नियान ने यहाँ आने से पहले उस ड्रैगन को भी हरा दिया। हम यूमी रूमी को बचाने आए हैं, ये तीन काबिल तलवारबाज हैं और मैं हूँ डोरेमोन। लेकिन हमें तो यहाँ आसपास कोई भी दुश्मन नजर नहीं आया। ऐसा बारिश की वजह से है, लगता है उन्हें पानी से नफरत है। दुश्मन की फौज में जैसे बुरी आत्माओं का डेरा है, उन्हें काटने या कुचलने के बाद भी कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उन पर हमने तीन बार हमला किया और वो तीनों बार बचने में कामयाब रहे। उनके स्पाइडर जनरल के पास एक तलवार है
जो 6 तरह के जहर उगलती है। मेरी फौज में अब इतने कम सिपाही बचे हैं कि उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। बारिश रुकने के बाद उन्होंने हम पर एक बार भी हमला किया तो हाँ, क्या तुम्हारे जादू से कुछ नहीं हो सकता? हम शायद कुछ कर सकते हैं। और कोई चारा भी नहीं है, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। अरे ये क्या? अरे ये तो एक रिकॉर्ड प्लेयर है। इसका इस्तेमाल तो मेरे सपने में भी हुआ था। क्या सच में हमें इससे कोई मदद मिल पाएगी? कोई चारा नहीं है, इसका कुछ तो इस्तेमाल करना होगा। रुको, मुझे बताइए क्या इस किले के तहखाने में काफी जगह है? हाँ बहुत जगह है, लेकिन तुम करना क्या चाहती हो? सुनो, मेरे पास एक तरकीब है, सुनना चाहोगे? पहले हम दुश्मन को धोखे से तहखाने में लेकर आएंगे, उसके बाद हम क्या ऐसा हो सकता है? हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है शिजुका, तुम बहुत होशियार हो। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बारिश रुक चुकी है, एंडेरू शहर को हराने और उस पर कब्जा करने का वक्त आ गया है। आगे बढ़ो। अरे ये क्या, किले का दरवाजा तो खुला हुआ है। मुझे लगता है वो डर कर कहीं छिप गए हैं, यहाँ कोई नहीं है। जाओ और महल का कोना कोना छान मारो, उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। सुनो राक्षसों, इस तरफ आओ। रुक जाओ, ये आवाज कैसी है? अगर हमें पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। हाँ हाँ, हमें पकड़ के दिखाओ। राक्षसों, इस तरफ आओ। इस तरफ चलो। अरे यहाँ तुम लोग कहाँ छुपे हो? हमारे सामने आओ, जल्दी आओ। अरे जल्दी आओ, पकड़ के दिखाओ हमें। पकड़ के दिखाओ, जाओ पकड़ो, पकड़ो। मिल गए। ये धोखा था। पीछे हटो वरना तुम सब भूल जाओगे। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। इतना सारा पानी यहाँ कहाँ से रहा है? ये पानी उस जादुई बैग से आ रहा है। जल्दी ही मिट्टी के राक्षस पानी में घुलने लग जाएंगे। देखा तुमने शिरोगाने तलवार में कितनी ताकत है? तुम्हें बाद में देखूंगा। क्या कहा तुमने? वहाँ शिरोगाने तलवारबाज आ गए, उन्होंने नदी के पानी और जादू के इस्तेमाल से हमारी पूरी फौज का सफाया कर दिया है। मैं अकेला बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया हूँ। चुप रहो, मुझे नाकामयाबी पसंद नहीं। उन शिरोगाने तलवारबाजों को यहाँ लाने की जिम्मेदारी क्या तुम्हें ज्यादा लग रही है? जवाब दो। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। चुप रहो, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। तो ठीक है, जाओ बहादुर जम्बोसु। महाराज, एंड्रू शहर से मैं आपके लिए खबर लेकर आया हूँ।
क्या उन राक्षसों ने फिर से हमला किया? हम लोग लगातार हार रहे हैं। नहीं महाराज, बल्कि हमें एक बड़ी जीत हासिल हुई है। क्या हम लोग जीत रहे हैं? जी महाराज, अचानक वहाँ शिरोगाने तलवारबाज अपने दोस्तों के साथ आ गए और उन सब ने मिलकर सभी दुश्मनों को हरा दिया। शुक्र है कि वो तलवारबाज हमारी मदद के लिए आ गए, लेकिन मुझे ये बताओ वो लोग कहाँ हैं? एक नया फौजी दस्ता शारू पेरू किले की ओर बढ़ रहा है, इसीलिए वो सब उस किले। हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। इस बार हमें वो चीज इस्तेमाल करनी ही होगी। तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? अरे वो मेरे सपने में भी आया था, उसका नाम क्या था? वो एक मोटा सा रोबोट था जिसकी जेब से। सही कहा तुमने, वो रोबोट मेरे सपने में भी आया था, वो बहुत चालाक था। वो मोटा और चालाक नहीं है, वो तो बिल्ली जैसा रोबोट है। लेकिन तुम्हें जल्दी करनी होगी डोरेमोन। कोशिश करके देखता हूँ। मेरी प्यारी पॉकेट बाहर आ जाओ, मेरी प्यारी प्यारी पॉकेट बाहर आ जाओ। ये रही मेरी पॉकेट। बहुत बढ़िया। हाँ, ये वही है। मुझे तो लगता है पक्का ये उसी रोबोट की जेब है। क्या वो पॉकेट ऐसी लगती थी? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। दोस्तों मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ, हमला। नो ग्रेविटी नेट। ज्यादा खुश मत हो, अभी तो और हमले हैं। जवानों जल्दी हमला करो। इन पर तो तीरों का कोई असर नहीं है। डोरेमोन जल्दी से कुछ करो। से हो सकता है, आगे बढ़ो। मिनी थंडर क्लाउड। इससे क्या होगा? देखोगे तो समझ जाओगे। अगर ऐसी बात है तो अब मेरा मुकाबला करो। अरे इस बार तो वो खुद ही आ रहा है दोस्तों। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतने ताकतवर हो तो मुकाबला करो। डोरेमोन मुझे बैम्बू कॉप्टर दो। ठीक है, हम सब भी चलेंगे। ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं अकेले ही इसका सामना करूंगा और इसे खत्म कर दूंगा। मैं आ रहा हूँ। शिरोगाने तलवार का सामना करो। मैंने कर दिखाया। मुझे सब पता चल गया है। तुमने कमाल कर दिया नोबिता नियान। मैं तुम्हारी ताकत देखकर बहुत हैरान हूँ, खास तौर पर इनका जादू तो बहुत कमाल का था। नहीं, दरअसल शैतानों की फौज कुछ ज्यादा कमजोर थी। हाँ डोरेमोन, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उनकी फौज का सफाया आसानी से कर देंगे। और फिर मैं राजकुमारी के साथ। तो चलिए मिलकर जश्न मनाते हैं। अरे ये अंधेरा कैसे हो गया? इन सबको क्या हो गया? रुको! शिरोगाने तलवारबाज, चलो गुट्टों के बल झुक जाओ। इस समय तुम शैतानों की फौज के मुखिया ताई ताई सामा के सामने खड़े हो। ताई ताई सामा के सामने? तुमसे मुकाबला करना वाकई दिलचस्प रहेगा। अब तुम शिरोगाने तलवार का कमाल देखने के लिए तैयार हो? राक्षसों की मुखिया अभी दिखाता हूँ। तो आखिरकार मैंने इसे हरा ही दिया। अरे ये
बेवकूफ, तुम्हें लगता था तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? अरे नहीं, मिट्टी में बदल जाओ। अच्छा हुआ, लेकिन ये तलवारबाज एक बार फिर जिंदा हो सकता है। तब तो और मजा आएगा। अब तुम सिर्फ एक आम इंसान हो, अगर अब तुम मरे तो जिंदा नहीं हो पाओगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे नहीं। रुक जाओ, यहाँ क्यों आ रहे हो? मत आओ। शिरोगाने तलवारबाज, अपने साथियों को मरते देखना कैसा लगेगा तुम्हें? रुक जाओ, देखो तुम ऐसा मत करो। दखल अंदाजी करने वालों का भी यही अंजाम होगा, देख लो जरा। रुको, ऐसा मत करो। नोबिता, तुम सोते हुए क्या बड़बड़ा रहे हो? और ये डोरेमोन भी सोने से पहले टीवी बंद करना भूल गया। अरे ये क्या है, अब इस टीवी को बंद कैसे करना है? ये स्विच दबा के देखती हूँ। तो उठ ही गए तुम दोनों। चलो खाना तैयार है, जल्दी से खाकर तैयार हो जाओ, ठीक है? हाँ ठीक है। क्या ये भी एक सपना था? लगता तो ऐसा ही है। हाँ? स्पेशल एडिशन वाली कैसेट बहुत बढ़िया नहीं थी? मेरे ख्याल से इस गैजेट को इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा। मैं इस गैजेट को वापस कर देता हूँ। मैं शिजुका और बाकी सबके एंटीना होते वक्त सपना दिखाने वाले इस गैजेट को आप वापस ले जाए। क्या इसे ले जाने में आपको 2-3 दिन लग जाएंगे? मैं काफी देर तक एक सपना देखता रहा और मैंने मॉम को भी बहुत परेशान किया। ऐसा ही एक सपना मैंने भी देखा था जियान। तुम ये एंटीना हटा सकते हो। ये मेरे माथे पर अजीब सी चीज क्या है? माफ करना, तुम्हारा ये अजीब सा सपना इसी की वजह से था। लेकिन आखिर ये हमारे पास आया कैसे? तुम उसकी चिंता मत करो। अरे रुको नोबिता। शिजुका, नोबिता आया है, कह रहा है कि तुम एंटीना हटा सकती हो। ठीक है, क्या एंटीना हटा सकती हूँ? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। सुनो डोरेमोन, देखो ये क्या हो रहा है। क्या हुआ नोबिता? हाँ, क्या इसे तुमने चलाया है नोबिता? नहीं, सही भागा है। ऐसा मत कहो, तुम भी तो बीच में कहीं गायब हो गई थी। मेरा काम बस इतना था कि मैं उस तलवारबाज को रास्ता दिखाऊं। क्या तुम्हारा सपना अभी तक खत्म नहीं हुआ? तुम्हें लगता है कि ये ऐसे खत्म हो सकता है? इस कहानी को तुमने देखना शुरू किया ही था और हर हाल में तुम्हें इसे खत्म ही करना होगा। तुम्हें क्या लगा कि तुम आँख खोलकर सपनों की दुनिया से बाहर आ गए हो? लेकिन ये बताओ, वहाँ के लोगों का क्या होगा? यकीन नहीं होता, ये तो बहुत ही अजीब बात है। हमें उसकी मदद करनी ही होगी। डोरेमोन जल्दी करो, एंटीना लगाना मत भूल जाना। जरा जल्दी करो। लेकिन अब हमें क्या करना है? हमें किले में पहुंचकर राक्षसों के सरदार को खत्म करना होगा। हमने ऐसा किया तो सारी जादुई ताकतें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी और पूरे शहर में वापस शांति कायम हो जाएगी। अरे नहीं, रुक जाओ, मेरी पॉकेट कहाँ चली गई? ये कैसे हो गया? देखो ये मजाक का वक्त नहीं आते, वो सिर्फ जंग लड़ते हैं। जैसे पानी की बूंदे साथ रंग छोड़े, जब सूरज जब मुझे नहीं पता मैं वापस जा रहा हूँ। तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें ये करना ही होगा। लेकिन उस जेब के बिना हम कैसे लड़ेंगे, बताओ ना। ये हमारी बदकिस्मती है, पर अब तुम पीछे नहीं हट सकते। मिटाने वाले तुम हो, अपनी तलवार से सैम हो रही। तुम गुजरो जहाँ से, खुशियाँ तुम्हारे साथ चले। तुम चलो जहाँ भी, हौसले भी साथ चले। तुम दोनों जल्दी से मेरे पीछे आओ। ताकत से तुम इंसान।
आज रात एक अच्छा सपना देखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे हमेशा अजीब सपने ही आते हैं। अरे नहीं, ये फिर से अजीब सपना है। इधर से ही आई थी। कोई आ रहा है। मिट्टी पानी और लोहे की मदद से हमने अपनी फौज को बेहद ताकतवर बना दिया है सरदार। हम मिलकर हमला करने को तैयार हैं और आपका हुक्म मिलते ही हमला कर सकते हैं। वो शिरोगाने तलवारबाज जावाया नाम की एक जगह पर अचानक से कहीं गायब हो गए थे। इस जेब से हर चीज हासिल की जा सकती है। ये आवाज कैसी है, जाकर देखो। जरूर जरूर। कहाँ गए, जल्दी खोजो। लगता है यहाँ कुछ हो रहा है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये कैसी जगह है, काफी डरावनी लग रही है। तुम राक्षसों के राजा हो ना? तो तुम उस तलवारबाज की दोस्त हो? मैं अपने देश के दुश्मन को नहीं छोड़ूंगी। वाकई, क्या करोगी राजकुमारी शिजुकारिया? मुझसे बचो। मिट्टी बन जाओ। अब आया ना मजा, लेकिन अगर ये यहाँ पर है तो तरफ हटो। ताई ताई। इस शिरोगाने तलवारबाज को मैं अपने हाथों से मारूंगा। शुक्र है उस वक्त मैं ड्रैगन के पसीने से नहा गई थी। पॉकेट है। इसमें से असली कौन है? अपनी आंखें बंद करो और शिरोगाने तलवार को हाथ में पकड़कर एकदम सीधे आगे बढ़ो। मुझ पर हमला करने वाले लोगों का यही अंजाम होता है। जरा संभल कर। जल्दी चलो दोस्तों। कोई नहीं है जो तुमसे ये तो एक सपने जैसा लग रहा है। और अब इसके साथ ही यूमी रूमी में शांति और खुशियाँ फिर से लौट आएंगी।
किसी पर जहां हो, दुश्मन जहां हो, हटाने वाले तुम हो, अपनी तलवार से सैमुराई। अरे शिजुकारू कहां है? मुझे नहीं पता, अब तक तो वो हमारे साथ ही थी। मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मैंने तुमसे पूछे बिना तुम्हारी शादी तय कर दी, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, लेकिन लगता है मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। क्या सच में तुम उसे पसंद करने लगी हो? हाँ। श्रीमान शिरोगाने तलवारबाज, राजकुमारी अंदर आपका इंतजार कर रही है। क्या राजकुमारी, अब जल्दी ही तुम्हारा सपना पूरा होगा। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। हेलो, मैं ये मशीन ले जाने आया हूँ, उम्मीद है तुम्हें अच्छा सपना आया होगा। अब काफी देर हो गई, चलता हूँ। ये एक बढ़िया सपना था और जल्दी ही इसका शानदार अंत भी होगा। कैसे हो? कैसे हो नोबिता न्यान? शिजुकारू कैसे हो नोबिता? मैं ठीक हूँ। पता है कल रात को मैंने तुम्हें अपने सपने में देखा था। कल रात मैंने भी तुम्हें अपने सपने में देखा था। क्या सपने में? हाँ सपने में, और तुम वाकई बहुत सुंदर लग रहे थे। रुको शिजुका। अरे